नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट विटामिन डी विच इज आल्सो अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ विटामिन के बारे में सारी, और विटामिन ए के बारे में भी बता चुका हूँ, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में फैट के साथ सॉल्युबल होके स्टोर हो जाती है लीवर में या फैटी टिश्यूज में और लीवर में स्टोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म हैं। तो इसके दो फॉर्म में पाई जाती है, अपनी दो फॉर्म में मिलती है या बनती है अपनी बॉडी में। पहला है D3 और दूसरा है D2। D3 को ही हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल और D2 को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। एंड D2 हमें प्लांट्स में मिलती है जो कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या हमें नहीं मिल पाती है प्लांट से। तो मेनली हम बात करेंगे D3 के बारे में, या D2 हम सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह आते हैं तो उससे हम ले सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे विटामिन D3 के बारे में, यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल के बारे में। तो ये बनती कैसी है, हमारी स्किन के नीचे 7-dehydrocholesterol पाया जाता है जो कि प्रो विटामिन डी की तरह प्रेजेंट रहता है। तो आगे क्या होता है, जब हमारी बॉडी सन रेज या यूवी रेज के एक्सपोजर में आती है, जैसे हमारे हैंड्स फेस, ये हमारी जब सन के एक्सपोजर में आती है तो विटामिन जो 7-dehydrocholesterol है वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जाता है लीवर में, स्टोर होता है वहाँ, ये स्टोर होता है कैल्सिडायोल के फॉर्म में, ठीक है। फिर वहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती है किडनी में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, उसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। तो किडनी में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जाके, जिसे बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। फिर ये हमारी बोन्स में और बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए और भी कई सारी चीज़ों के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन के लिए ये वर्क करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन D3 कैसे बनता है, फॉर्म होता है और उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या हैं, सबसे पहला फंक्शन तो है इसका, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत। तो आंत में, इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। आगे बात करते हैं और क्या नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बोन्स को हार्ड बनाता है, कैल्सिफिकेशन करता है बोन्स का, बोन को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारी बोन्स को। और आगे बात करें तो और क्या फंक्शन है इसके, और ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए भी होता है इम्पॉर्टेंट, और बाकी ये बोन्स और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और ये इतने जो फंक्शन है, इम्यून रिस्पॉन्स है, इनके लिए मेनली ये वर्क करता है। और अब आगे बात करेंगे इसके सोर्सेस क्या हैं, सोर्स की बात करें तो सोर्स एक तो नेचुरल सोर्स है, ठीक है। नेचुरल सोर्स यानी कि सन रेज जिससे अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज निकलती हैं, ये हमारा नेचुरल सोर्स है, जो कि मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे ये यूवी रेज एक्सपोजर से अपनी बॉडी स्किन में
एक्सपोजर के बाद कैसे वाइटामिन D3 फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है वाइटामिन D3 का। आगे बात करेंगे अदर सोर्स क्या है इसके, अदर सोर्स जैसे मिल्क, बटर, घी एंड एग योक, कोड लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, तो ये सारे जो हैं रिच सोर्स हैं वाइटामिन डी के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने बताया है आपको वाइटामिन डी क्या है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं। हमारे सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है, उससे क्या 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 बीमारियां हो सकती हैं बॉडी में, और उसके बाद हम बताएंगे उसके उसकी डेली डेली रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी कर दें। थैंक यू, नमस्कार।